फ्रेंड्स, ये है हमारा यहाँ पे लास्ट दिन आज का। तो मॉर्निंग का टाइम है, तो हम आ गए यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आंटी के पास। तो यहाँ पे देखो, हमारे दो भूखे नंगे बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे आंटी भी हमारे लिए जो है वो पराठे बना रही है अपने ही तरीके से। तो इधर साइड आंटी का सेटअप लगा हुआ है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इधर साइड देखिए, आंटी पराठे बना रही है हमारे लिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से। आंटी किसके पराठे हैं ये? ये फाफड़ा का है। फाफड़ा का पराठा। फाफड़ा का फाफड़ा मेरे को बोला नहीं जाता है। फाफड़ा का पराठा है। तो ये किससे बनता है? ये उससे, क्या बोलते हैं, आटा और मिला के ना, जो उसकी सब्जी है। ये सब्जी है, ये देखिए, ये वाली फाफड़ा का पराठा है। इसमें देखिए आंटी ने प्याज, बेथुआ फाफड़ा, तो ये हाँ, इसको काट के प्याज मिला के, प्याज नमक, अच्छा, इसको कूट के ना, हाँ, इसको कूटते हो, सिलबट्टे में पीसते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्याज और नमक मिला के, हाँ, अच्छा। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपको आटा भी गूंदा हुआ देखने को मिल रहा है। और इस वाले हॉट केस के अंदर आंटी अपना पराठा जो है वो रख रही है सेके। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग हो रही है। ये देखिए आंटी का वीडियो बनेंगे, हाँ, आंटी का वीडियो बन रहा है। ये देखिए इसके डो के अंदर, इसको जैसे आलू की फिलिंग करी जाती है वैसे इसकी भी फिलिंग की जाती है, उसको रखा हुआ है। ये देखिए तो जिस तरीके से, और यहाँ पे मस्त मस्त खाना बनाते हैं। इधर साइड इस तवे के अंदर इसको कुछ इस तरीके से डाल दिया है। हेलो, हाँ, तो इसको एक रात पहले बना के रखते हो आंटी, या सुबह सुबह आपने बनाया? सुबह सुबह, सुबह सुबह बनाया है आपने? सुबह सुबह इसको काट के, हाँ, पकाने नहीं पड़ते, इसको काट के सिलवट में पीस के, हाँ, तो पीस के इसका नमक और प्याज, हाँ, और मिर्च, हाँ, हल्का सा वो डाल दे मिर्च, अच्छा, तो इसको कूट के डालते सिलवट कूट के। ये देखिए कुछ इस तरीके से फिलिंग बना दी आंटी ने और इसको फोल्ड कर दिया। ये देखिए इसका पराठा बहुत अच्छा होता है, हाँ, आलू से अच्छा होता है। अच्छा, आलू से अच्छा पराठा, हाँ, होता है। वैसे तो हरी सब्जी भी है तो सेहत, हाँ, सेहत के लिए भी अच्छी होती है, हाँ, है ना। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमारा पराठा जो है वो रेडी हो रहा है। चलिए अब फटाफट से आपको बाहर लेके चलते हैं, और वहाँ पे जब आंटी हमारे सर्व करेंगी इस टेबल के अंदर, तो हम जो है वो यहाँ पे आपको खिलाएंगे, मतलब खा के बताएंगे भाई टेस्ट कैसा हो रहा है। ये देखिए ये दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये भी शूट के लिए आई थी। चलो जब तक हमारा यहाँ पे खाना रेडी होता है तब तक हम इंतजार करते हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे हिमालयन कुजीन जो यहाँ का मोमोज है वो भी दिखाएंगे कि भाई यहाँ की जो मोमोज है ना, एक आंटी और मेरे को मिली थी, वो यार उन्होंने बहुत ही टेस्टी मोमोज बनाए थे, और मैं चाहता हूँ वो मैं आपको जरूर से दिखाऊँ इस वीडियो के अंदर। बाहर से शॉपिंग भी करेंगे, वो भी आपको दिखाने वाले हैं। तो ये देखिए हमारी प्लेट यहाँ पे रेडी है, जहाँ पे देखिए ये पराठे आपको देखने को मिल रहे हैं, और आंटी ने हमारे लिए यहाँ पे देखो मक्खन भी रखा हुआ है, और ये जो है वो चटनी आंटी ने घर में बनाई है। भाई ये चटनी मोमोज की चटनी से बहुत ज़्यादा बेटर हो रही है। अब देखो मैं इसको इसमें लेता हूँ, यहाँ पे इसको रखता हूँ साइड, बाकी आंटी हमारे लिए गर्म गर्म पराठे इसके अंदर लाते जा रही है। आप एक बार इधर मार सकते हो, ये हॉट केस के अंदर आंटी जो है वो गर्म गर्म पराठे हमारे लिए रखती जा रही हैं। अब चलो यहाँ पे मैं इस मक्खन को इस तरीके से लेता हूँ और अपने पराठे के ऊपर कुछ इस तरीके से देता हूँ। भाई वो बटर वाला जो फील आता है ना, जो ओरिजिनल बटर वाला फील, अब आएगा, अब आएगा फील, अब आएगा जो वाला बटर होता है अमूल का, उसमें भी कुछ ना कुछ मेरे को ऐसा लगता है कि मिला हुआ है। बट यहाँ पे ये देखो, ये भाई गजब फीलिंग है, गजब फीलिंग। मजा आ गया, दिल तृप्त हो गया भाई मॉर्निंग में खा के। देखिए प्योर मक्खन है, प्योर मक्खन, जैसा बोला था आंटी ने ये खाओगे तो आपको मजा आ जाएगा सवेरे सवेरे, हम आपको ही खिलाएंगे नाश्ते में। भाई नाश्ते में खा के आहा, देख रहे हो, ये देखो दोबारा नजर मान, ये बटर पूरा गल चुका है, पूरा मेल्ट, मेल्टेड बटर, पूरा मेल्टेड बटर है, मक्खन, बटर नहीं मक्खन बोलो इसको बढ़िया से।
चलो अब मुझे करने दो इसको फिनिश, फटाफट इसको फिनिश करता हूँ, आपसे मिलता हूँ आगे वीडियोस में। लेकिन भाई मैं इसको खा के मजा आ गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। कैमरा मैन के मुँह पानी आ रहा है, बगल में आप इसका चेहरा भी देख सकते हो भाई, ये भी खा के बहुत ज़्यादा खुश है। तो हम अंकल के होम स्टे से जैसे ही बाहर निकले ना, एक शॉप है यहाँ पे, आपको दो शॉप देखने को मिलेंगे, एक शॉप जस्ट सामने पे है। वैसे होम स्टे बहुत ज़्यादा अच्छा है भाई, यहाँ पे आइए लोगों के साथ इंटरेक्ट करिए, और आपको प्योर ऊन के, देखो प्योर ऊन के कपड़े देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से। और इधर साइड देखिए हमारी शॉपिंग जो है वो चालू है, यहाँ पे देखिए प्योर प्योर यहाँ पे कुछ लोग स्वेटर खरीद रहे हैं जाड़ों के लिए, और साथ ही साथ जो है वो टोपी वगैरह है और ग्लव्स वगैरह है। ये देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये देखो ये गांव ऐसा है, पहले गांव के बारे में कोई नहीं जानता था, जब से इंटरनेट के अंदर लोग फेमस हुए, लोगों ने यहाँ पे आके एक्सप्लोर किया, तब से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप ये देख सकते हो ना किस तरीके का यहाँ पे मतलब रश तो मैं नहीं कहूँगा, एक एकांत जगह है, शांत जगह है, लोग यहाँ पे आके अपनी लाइफ को मतलब यहाँ पे इंजॉय करते हैं। कोई दुकान का नाम नहीं, कोई पैसों से मतलब नहीं है, और यहाँ पे जो ये इनका आइटम्स हैं, इनको बनाते हैं अपने हाथों से, भेड़ों की जो ऊन है, जो उनके बाल हैं, उनको यूज़ करते हैं उनको बनाने के। देखो कितनी अच्छी कारीगरी करी गई है इसके अंदर, आंटी क्या रेट है सॉल का? 800 रुपए का, ठीक है। देखिए ये सॉल देखिए आंटी ने यहाँ पे खुद से बनवाया, और जहाँ पे देखिए इसका प्राइस जो है वो 800 रुपीज है। आपके नाती पोतों के लिए, राहुल के आपके नाती पोतों के लिए ले लेता हूँ। ये देखो ये देखो होने तो दो अंदर की साइड में देखिए आपको प्रॉपर शॉपिंग के लिए आइटम्स देखने को मिलेंगे। आंटी ये स्वेटर कितने की है? ये वाली 600 की। ये आपने बनाई है खुद या बाहर से? धागा बाहर का है। आपने खुद से कौन सा बनाया हुआ है? अभी मैंने पैकिंग करा, ये सब खुद से बनाई है। क्या रुपए कीमत है इसकी? 1200। ये 1200 रुपए की कीमत है, ठीक है। देखो खुद से ऊन से बनाई हुई है, 1200 रुपए की कीमत है। लोग यहाँ पे आके वो दिखा, इधर खुद से बना रहे हैं।